मैम नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आशा है आप भी ठीक होंगी। कैसे आना हुआ? सर, मैं अपने छात्रों की तरफ से आपके पास एक समस्या लेके आई हूँ। ज़्यादातर बच्चों में ये मतलब समस्या आती है कि दसवीं के बाद क्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये समस्या सभी छात्रों की है और मैं शिक्षा विभाग का व्यक्ति हूँ, करियर काउंसलर के रूप में मैंने बहुत दिनों तक काम भी किया है, तो ये प्रश्न मेरे सामने बहुत बार आया है और बहुत सारे बच्चों का मैंने समाधान दिया है। सबसे पहले तो बच्चों को खुद को जज करना होता है, बच्चे क्या करते हैं दसवीं के बाद, दोस्त क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, स्कूल में क्या हो रहा है, वैसे ही कुछ भी कर लेते हैं, खुद को नहीं पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो उनको खुद को देखना पड़ेगा कि उनकी क्या आवश्यकता है और क्या उनकी क्षमताएँ हैं। तो दसवीं के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखी जाए या फिर पढ़ाई के साथ साथ कोई काम किया जाए। तीसरा, कुछ बच्चे स्कूल ही छोड़ देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो दो ऑप्शन समझ में आते हैं, एक तो कि केवल पढ़ाई की जाए आगे, और दूसरी कि पढ़ाई भी की जाए और कोई नौकरी भी की जाए घर के सपोर्ट के लिए, यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो। तो पहला रास्ता कम छात्र अपनाते हैं, दसवीं के बाद ही काम नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। पर यदि करना चाहें तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं, ITI का कोर्स है, तो वो कोर्स करके दूरस्थ शिक्षा से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और कोर्स करके किसी जगह नौकरी भी पा सकते हैं, तो वो हो सकता है। और एक जिनकी घर से बहुत अच्छा सपोर्ट है कि नहीं पढ़ाई ही करना है, तो वो जो पारंपरिक पढ़ाई है कि 11वीं में विषय लेना है कोई और फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन करना है, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दो ऑप्शन बच्चों के पास हैं। सर, एक क्वेश्चन है। जी मैम, ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना चाहते हैं, इसके लिए क्या बेहतर वो ऐसा करें कि ये करने में संभव हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये बच्चे ज़्यादातर नहीं हैं, दसवीं के बाद तो बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं, हाँ, पर 12वीं के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं नौकरी आदि करना चाहते हैं। दसवीं के बाद भी अगर दी ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, कई डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं जो दसवीं के बाद करके सीधा जॉब में जा सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, उस प्रश्न के लिए मैं कुछ आपको डिप्लोमास बता रहा हूँ। एक तो ITI कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे डिप्लोमास हैं जिनकी मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। बच्चों, इस लिस्ट को ध्यान से स्क्रीन पर भी देखो और सुनो भी, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन रिपेयर का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, TV रिपेयर का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑटो मैकेनिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, टेक्सटाइल या प्रिंटिंग प्रेस में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है कपड़े का, छपाई का। और इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ नहीं होता है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हेयर ड्रेसर, जैसे जगह जगह देखा होगा आपने ब्यूटी पार्लर खोले हुए हैं, तो हेयर ड्रेसर का भी कोर्स आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, जैसे आपने TV में देखा होगा कोई एक्टर या एक्ट्रेस बहुत अच्छी दिखने में नहीं होती है, पर मेकअप आर्टिस्ट उनके लिए पाउडर आदि लगा के बहुत अच्छा बना देते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको लोग पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं आप। इसके साथ साथ वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है, जो आप लैपटॉप या मोबाइल में कोई भी साइट खोलते हो तो कहीं कहीं टच करने से नया लिंक खुलता है, कहीं कहीं टच करो तो कुछ नहीं खुलता है, कहीं कहीं आपको अपना नाम आदि भरना पड़ता है। तो ये सारा जो साइट है उसको डिजाइन किया जाता है, HTML से होता है, और एक वेब डिजाइनिंग भी ये कहलाती है। तो इस कोर्स को भी आप दसवीं के बाद कोशिश कर सकते हैं सीखने की, थोड़ा कठिन हो जाएगा पर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हैं, कुछ बच्चे तो 8वीं के बाद ही माता पिता के सपोर्ट से ये काम करते हैं। साथ ही साथ आप NGO मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बहुत सारे NGO जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लोगों की हेल्प करती हैं, उनके लिए लोगों की ज़रूरत होती है, वॉलेंटियर्स की ज़रूरत होती है, वो आप काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हैं। भारत में जो शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है उसमें फोटोग्राफर्स की ज़रूरत होती है। मेडिकल टेक्नीशियंस भी बन सकते हैं, जैसे कोई पैथोलॉजी है तो उसमें काम करना, ये थोड़ा लेवल बड़ा हो जाएगा, पर कुछ मशीनें जो होती हैं मेडिकल लाइन में उनको मैनेज करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ ज़रूरत होती है, तो डायरेक्ट उस कोर्स में भी आप पर्टिकुलर उस मशीन के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज दसवीं के बाद आप कर सकते हैं। कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा लगभग एक ही बात है, टाइमिंग का अंतर होता है। डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जैसे कला शिक्षक का डिप्लोमा होता है कि मुझे आर्ट का टीचर बनना है, आर्ट विषय का नहीं, आर्ट में जैसे क्राफ्ट होता है, कुम्हार जो मटके बनाता है वो भी एक क्राफ्टिंग है, तो उसका टीचर बन सकते हैं आप। स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा कर सकते हैं, 3D एनिमेशन होता है, एनिमेशन जो मूवीज आप देखते हैं छोटा हनुमान या जो मिक्की माउस या बच्चों के वो आप जानती होंगी अच्छे से कार्टून्स वगैरह जो आते हैं, इनके कोर्सेज भी बच्चे कर सकते हैं, इनका डिप्लोमा होता है। साथ ही साथ ब्यूटी केयर डिप्लोमा होता है, जो मेकअप आर्टिस्ट है और ब्यूटी केयर डिप्लोमा, दोनों में अंतर है। मेकअप आर्टिस्ट जो है ना चेहरे को अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा बाहरी रूप से डेवलप करता है। ब्यूटी केयर डिप्लोमा में आपको क्या खाना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ब्यूटी केयर में आती हैं, तो ये आप सीख सकते हैं। साइबर सुरक्षा में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो अटैक होते हैं, हैकर्स हैक करते हैं मोबाइल्स को या किसी के अकाउंट्स को, इसको आप डिप्लोमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें वैकेंसीज निकालती। कृषि में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, किसी विशेष प्रकार की कृषि को सीखने के लिए, तो ये सारे डिप्लोमाज भी बच्चे दसवीं के बाद में कर सकते हैं। बिल्कुल, इनके अलावा सर जो स्कूल वाले सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में भी आज बच्चों को आप बताएंगे। हाँ, ये सिंपल सा है, क्योंकि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो 12वीं तक होते ही हैं, तो 10वीं जिस स्कूल में पढ़ा उसी में उसने 11वीं में एडमिशन ले लिया। यहाँ एक दिक्कत आती है, वो सोचता तो जरूर है कि मुझे क्या विषय लेना है, पर कुछ टीचर्स उसको नंबर्स जो उसमें आए हैं उसके हिसाब से भी उसको सब्जेक्ट देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसको क्या पसंद है। तुम्हारे कम नंबर आए हैं तो यही सब्जेक्ट लेना होगा, और वो बच्चा बाद में पछताता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग की जानी चाहिए, उसकी रुचि देखी जानी चाहिए और उसकी क्षमता किस में वो कैपेबल है। अगर गणित में उसके नंबर कम है, हिंदी में और सामाजिक विज्ञान में नंबर कम है, पर उसका साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसको साइंस देनी चाहिए, या फिर आर्ट में बहुत अच्छे नंबर हैं पर साइंस में कम है या मैथ में कम है, इस नंबर्स भी देख सकते हैं। कई बार नंबर्स सही बात नहीं बताते हैं, तो हमारे लिए चाहिए कि हम प्रॉपर टेस्ट लें, और इसके लिए कई पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जिससे बच्चे की क्षमता, गुण, लक्षण, रुचि आदि पहचानी जा सकती है कि वो किस में बेहतर कर पाए, इसके लिए वो पर्टिकुलर विषय ले सकता है। 4-5 विषय मुख्य हैं, मैं नाम बता दूं, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, और कुछ लोग अलग कोर्सेज बिल्कुल जो सारे मैंने बताए ये भी कर लेते हैं। इसमें आर्ट में भी फिर कई फील्ड्स हैं, आर्ट में जैसे पॉलिटिकल लेना है, या फिर साइकोलॉजी से उसे 11th में साइकोलॉजी लेनी है, या फिर कोई समाज शास्त्र पढ़ना है, या दर्शन शास्त्र पढ़ना है, या और भी कई सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, आर्ट लेगा तो हिस्ट्री कॉमन सी ही रहती है, कोई भी लैंग्वेज रहेगी हिस्ट्री रहेगी, आर्ट में ही उसे ना हिस्ट्री चाहिए ना जियोग्राफी चाहिए, तो संगीत और नृत्य में भी कला जो है सब्जेक्ट्स, इनमें भी वो काम कर सकता है। नृत्य की क्लास ज्वाइन करेगा, नृत्य से ही वो 11th 12th आदि करेगा, या संगीत से ही करेगा, क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे कवि बन सकते हैं। तो आर्ट विषय लेंगे तो इतने सारे विषय उनको आर्ट में भी चूज करने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि आर्ट ले लिया तो क्या बनेंगे, ऑप्शन सारे बंद हैं। मैं बता दूं, दुनिया में जो राज करने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, वो ज़्यादातर आर्ट विषय से आगे बढ़ते हैं। लीडर्स आर्ट विषय से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसा विषय है जिससे समाज का ज्ञान होता है, और जो समाज को अच्छी तरह से समझता है वही राज कर सकता है। तो आर्ट विषय लेकर आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, साथ ही साथ सबसे अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही, एक पत्रकार को अगर अच्छी खबर छापने का तजुर्बा है तो वो सरकार को भी हिला सकता है, तो इतना अच्छा विषय आर्ट भी है। बस आर्ट जिसको लेना है उसको देखना होगा कि वो क्रिएटिव है या नहीं है, सृजनात्मक है या नहीं है, कॉन्फिडेंस वाला बंदा है या नहीं है, बोलना बताना सुनना अच्छे से समझ आता है उसे कि नहीं आता, ये आर्ट का हुआ। दूसरा विषय मैंने क्या बताया था मैम, कॉमर्स, बहुत अच्छा, कॉमर्स भी अच्छा विषय है, इसमें थोड़ा स्कोप कम समझ में आता है, परंतु आजकल दुनिया में
अमीर देशों का ही बोलबाला है और पैसे से ही दुनिया चलती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, कम पैसे से अधिक पैसा कैसे निकाला जाए, पैसे में कहाँ टैक्स होता है, कहाँ कटना होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारे विषय कॉमर्स के होते हैं। जैसे कॉमर्स में आप अकाउंट पढ़ोगे, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कॉमर्स में बिजनेस स्टडी होती है, मैथ होता है, और कोई भी लैंग्वेज तो होती है, रीजनल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और हिंदी रहेंगी, तो ये रहेंगे। तो इसमें आप आगे जाके थोड़े कम फील्ड्स बचती हैं कि कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी एज अ इकोनॉमिस्ट, या फिर आपको इसके बाद एमबीए करना पड़ेगा तो आप बिजनेस में जाएंगे। कॉमर्स के बाद ज्यादातर ऑप्शन सीए बनने का, चार्टर अकाउंटेंट, या फिर सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और कई लोग सीएमए भी कर लेते हैं, जो सीए और सीए के लगभग ही होता है, समतुल्य ही होता है। इसको जो वैल्यूज होती हैं, वस्तुएं जो कंपनीज बनाती हैं, वो कितने रुपए में बिकेगी, क्या होगी, इन सब का निर्धारण ये व्यक्ति करता है। तो ये सारे कोर्सेस कॉमर्स में होते हैं। तीसरा विषय मैंने क्या बताया था मैडम, साइंस। हाँ, साइंस फील्ड में ऑप्शंस बहुत सारे बच्चों के पास होते हैं, और साइंस फील्ड दो ऑप्शंस में बढ़ जाती है, एक तो मेडिकल लाइन और एक नॉन मेडिकल लाइन। साइंस फील्ड में वो बायो लेगा, नहीं तो फिर मैथ लेगा। तो अगर बायो ले रहा है तो एमबीबीएस करेगा, या फिर डेंटिस्ट बनेगा, या फिर और भी मेडिकल में कई फील्ड्स होती हैं। हाँ, नर्सेस के लिए होता है, आप मेडिकल कभी जाएंगे तो उसमें कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं, वो बन सकते हैं। इसके बाद अगर वो नॉन मेडिकल लाइन में जा रहा है, वो अगर एयरफोर्स में जाना है उसे, तो पायलट बनना है तो उसको मैथ लेनी पड़ेगी, या उसे इंजीनियर बनना है तो मैथ लेनी पड़ेगी। अब इंजीनियर शब्द अपने आप में बड़ा है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल इंजीनियर होता है। तो ये सारे, अगर उसे बिल्डर बनना है तो मैथ लेनी पड़ेगी, घर बनाने आते हैं उसे, इंटीरियर डिजाइनिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो ये वो कर सकता है। ये क्या है पांचवा सब्जेक्ट मैम, एग्रीकल्चर मैंने बताया था, ये कॉमन से सब्जेक्ट है, यही फील्ड बच्चों को सामने जाके स्कूल लेवल पे मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर भी मेरे ख्याल से भारत के लिए सबसे उपयुक्त सब्जेक्ट है। लोग इसको भले ही कमतर आंकते हैं, पर एग्रीकल्चर को यदि सीरियसली लिया जाए तो बहुत गंभीर विषय है। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही टिकी हुई है, भारत कृषि प्रधान देश है, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं कृषि के कई उत्पादन, तो अपने आप में हम कृषि प्रधान देश हैं, तो कृषि का विषय जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए उतना मुख्यता नहीं देती हैं, पर गवर्नमेंट कई जॉब ऐसी निकालती हैं जो एग्रीकल्चर में होती हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर वाला व्यक्ति अपना स्विमिंग पूल खोल सकता है, एग्रीकल्चर वाला व्यक्ति अपने प्लांट्स लगा सकता है, अच्छा किसान बन सकता है, तो ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने मेरी बात सारी सुनी, और मैं तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आई यहाँ पर, उन्होंने आज बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे अपनी अपनी रुचि भी समझें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपनी क्षमताएं समझें, आप अपने माता पिता को भी देखें कि वो कितना आपके लिए दूर भेज सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से स्कूल्स हैं, ये सारी बातें देख करके, और साथ ही अपनी क्षमता को पहचान करके आप विषय को चयन करिए, ना कि किसी और की बातों में लग करके। धन्यवाद।